मुद्दे की बात शैलन पाराशर के साथ सिर्फ आयन 7 न्यूज पर। नमस्कार, आयन 7 न्यूज में आपका स्वागत है, मैं प्रीति। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पुलिस की कार्यप्रणाली हमेशा से विवाद का विषय रही है, जहां रसूखदार और पैसे वालों की तो भारी पूछ परख होती है, किंतु गरीब और असहाय की कोई सुनवाई नहीं होती। ताजा मामला थाना करेली का है, जहां पर बीते 10 मार्च को थाना करेली से 2 पुलिसकर्मी अवैध शराब बिक्री के वारंट पर आरोपी की जगह निर्दोष नेतराम रैकवार को पकड़ लाए। मामले के संबंध में शिकायतकर्ता का कहना है कि उसका नाम नेतराम रैकवार है और वह बरमान का रहने वाला है। जीविका चलाने के लिए बिजली विभाग में मजदूरी का काम करता है। बीते 10 मार्च को वह बरमान से बिजली सुधार कार्य करके वापस जा रहा था, तभी करेली थाने से 2 पुलिसकर्मी आए और अवैध शराब बिक्री के मामले में न्यायालय का वारंट दिखाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती। नाम से एक और है तो उसका ये भी है, तो इस नाम से उसका केस था और मेरे को उठाना है। उन्होंने बहुत मिन्नत की सर कि हमारा आईडी प्रूफ देख लें आप, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं देखना। आज क्या बोले साहब? आज बोले सर साहब के यहाँ गए थे, आवेदन किया तो उन्होंने बोला कि मैं जांच करवाता हूँ। क्या नाम है? नेत्राम बैक। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त।